नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंशु सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं उन किसानों की कहानियां जो कि कृषि के क्षेत्र में, कृषि स्टार्टअप या फिर बात करें पशुपालन की, अपनी पहचान बना रही हैं। इन किसानों ने चुनौतियों के सामने झुकना नहीं सीखा और लगन, इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ते गए। अपना आर्थिक विकास तो किसान कर ही रहे हैं, साथ ही अपने क्षेत्र में भी अपनी पहचान को सुनिश्चित कर रहे हैं, अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं, उनके लिए भी नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। सफल किसान में आज हम आपको बताने वाले हैं रमेश कुशवाहा और साथ ही तुषार कुशवाहा के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से जुड़े हुए हैं। इन दोनों ही किसानों की खास बात यह है कि इन्होंने अपने गाँव में ही रहकर अपने लिए नए अवसर तलाशने की सोची और इन्होंने शहरों का रुख नहीं किया। खास तौर पर नर्सरी के क्षेत्र में कैसे इन्होंने अपनी पहचान बनाई है, आइए जानते हैं। कुछ लोग नई नए प्रयोगों के जरिए न सिर्फ पैसा कमाते हैं बल्कि दूसरे लोगों के मार्गदर्शक भी बन जाते हैं। तमाम किसान पौधों की नर्सरी को घाटे का सौदा बताने से नहीं चूकते, लेकिन इनके बीच जो प्रगतिशील किसान होते हैं वे कम जमीन में भी कम लागत में ही अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसे किसान अपने दृढ़ इरादों के चलते क्षेत्र में ही युवाओं के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे ही एक किसान हैं रमेश कुशवाहा, जिन्होंने किसी कंपनी में नौकरी करने के बजाय पौधों की नर्सरी तैयार करने के व्यवसाय को अपनाया और सफलता की मंजिल तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला यूं तो बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली के रूप में जानी जाती है। यहाँ के किसान भगवान बुद्ध की प्रेरणा से निरंतर आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए रास्ता दिखाते रहते हैं। कुछ ऐसा ही किया है यहाँ के किसान रमेश कुशवाहा और तुषार ने। इन्होंने पिता की लीची, आम और अमरूद के पौधों की नर्सरी को ही अपना व्यवसाय बनाया और युवाओं को रोजगार का एक नया रास्ता दिखाया। नर्सरी के व्यवसाय से आज इनके जीवन में उजाला फैल रहा है और ये आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। नर्सरी को रोजगार का माध्यम बताते हुए रमेश बताते हैं, हमारे पिताजी द्वारा नर्सरी चलाया गया था पहले 97 से। पहले अपना खुद का बागवानी लगा 3-4 एकड़ लीची का और आम का, अमरूद का, और हम लोग पिताजी के साथ काम करते थे। और बागवानी जब लगा तो हम लोग बढ़िया बढ़िया जगह से लीची आम का बगीचा लगाया गया और उद्यान विभाग से पौधा सब्सिडी पे हम लोग को मिला, पौधा मिला लगाया गया उसको। और उद्यान विभाग से ट्रेनिंग में हम लोग पहली बार 2010 में गए बस्ती, वहाँ से कलम उलम का देख रेख पौधा देखा गया और कलम का पौधा वहाँ से कुछ लिया गया और मदर प्लांट भी लगाया गया, जिससे किसानों को हम नई नई प्रजाति की जब आम और लीची फरने लगा तो पौधे की मांग होने लगी। नर्सरी में कई तरह के पौधे बिकते हैं। नर्सरी में पौधों का रखरखाव और उनकी सही बढ़वार के लिए जानकारी होना आवश्यक है। इसे देखते हुए रमेश ने कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय अनुसंधान केंद्र आदि केंद्रों से ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद नर्सरी शुरू करने उद्यान विभाग, इफको फाउंडेशन ने सहयोग किया, जिससे इनके द्वारा तैयार पौधों की मांग बढ़ी। इनके द्वारा टिश्यू कल्चर से तैयार केले के पौधों की मांग आसपास के जिलों के अलावा बिहार में भी हो रही है। 2011 से इफको फाउंडेशन के साथ हम लोग काम किए, फिर कृषि विज्ञान के साथ हम लोग भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र बस्ती, फैजाबाद, रहमान खेड़ा हम लोग ट्रेनिंग भी किए। और हम लोग धीरे धीरे हम, हमारे पिताजी, भाई लोग और हमारे गांव के लोग भी बहुत सारे ट्रेनिंग किए। और उसके बाद 2014 से फिर इफको फाउंडेशन से जो नेट हाउस है हम लोग को मिला और पूरा ट्रेनिंग और पूरा सपोर्ट मिला कृषि विभाग, उद्यान विभाग से। और हम लोग नए तकनीकी के साथ काम करने लगे। 2013 में हम लोग नेशनल टिश्यू कल्चर केले के पौधे के बारे में हमारी कंपनी आई, उसके साथ इसी नेट हाउस में हम लोग पहले साल 77,000 पौधा बेचे और आज के डेट में हम लोग 25,00,000 पौधे कर रहे हैं कुशीनगर में, जो देवरिया, कुशीनगर, बलिया, महाराजगंज और बिहार में कुछ प्रांत में हम लोग दे रहे हैं, गोरखपुर मंडल में पूरी हम लोग दे रहे हैं। आज के दौर में किसानों को आगे बढ़ाने के लिए कृषि विभाग, उद्यान विभाग सहित
कई विभाग अपनी योजनाओं के तहत किसानों की मदद करते हैं। रमेश को भी इन योजनाओं का लाभ मिला। जैव ऊर्जा विकास बोर्ड से जुड़कर इन्होंने किसान उत्पादक संगठन यानी FPO बनाया, जिससे 20,000 किसान जुड़े हुए हैं। FPO से किसानों को फायदा हो रहा है, क्षेत्र का विकास हो रहा है। उद्यान विभाग से ड्रिप और स्प्रिंकलर भी लगा है, जो सिंचाई उचाई के पूरा सहयोग मिल रहा है। कृषि विभाग से सोलर पैनल मिला, जिससे पानी चल रहा है। विभाग पौधे को ड्रिप लगा है और स्प्रिंकलर भी लगा, जिससे धुलाई भी हो रही है। और 2019 में जैव ऊर्जा विकास बोर्ड से, जिसे FPO हमारा बना, और FPO बनने से किसानों को बहुत सारा लाभ मिला और हम लोग को फार्म मशीनरी मिला। फिर इस साल एलिगेटर में हम लोग काम एलिगेटर में चयन हुए थे। 3 ट्रैक्टर, 2 बेलर, 2 रेकर, 2 ट्राली मिला, जो हम लोग पराली प्रबंध में काम कर रहे हैं। गन्ने के पत्ती को भी हम लोग बंडल बांध के गाजीपुर मिल में भेजा जा रहा है, और जो पुआल है बना इंडियन ऑयल गोरखपुर में हम लोग भेज रहे हैं। नर्सरी के व्यवसाय को बढ़ाने में FPO से रमेश जी को काफी मदद मिली है। इसकी मदद से इनकी नर्सरी में तैयार पौधे बंगलौर, गुजरात, कलकत्ता, उड़ीसा तक के किसानों को उपलब्ध होता है। इनकी नर्सरी में आम, अमरूद, केला सहित सब्जियों व सीजनल फूल के पौधे उपलब्ध हैं। इन पौधों के रखरखाव के लिए क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। रमेश की नर्सरी के चलते 4-5 घरों वाले आनंद छपरा गाँव को एक पहचान मिली है, और इस गांव में रोजाना 200-300 लोगों का आना जाना रहता है। FPO से जुड़े किसान लगभग 2000 किसान जुड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी पहले से पौधा हमारे पास मांग के अनुसार आर्डर करते हैं। हम उसको बंगलौर, गुजरात, लखनऊ, बनारस या मुजफ्फरपुर, कलकत्ता, उड़ीसा, जहाँ से भी मिले हम ले आके अपने किसानों को उपलब्ध कराते हैं। और किसान की जो फसल होती है ODOP में, कुशीनगर केला है, जिसमें केला का फसल का भी हम लोग सप्लाई भी करवाते हैं। आम की बहुत सी सारी वराइटियाँ हमारे पास है, जैसे इस समय अमरपाली, लीलम, रोमानी, स्वर्णरेखा, अल्फांसो, मियाँ जाकिर, कस्तूरी, 4 kg आम, थाईलैंड की बोरमासी आम, कटहर की पिंक कटहर और बोरमासी कटहर का भी हमारे पास पौधा है। एप्पल बैर का पौधा है, हर्बर 99 सेव की भी पौधा है। अमरूद में 8-10 क्वालिटी हमारे पास, 1 kg अमरूद है। इलाहाबाद सफ़ेदा है, लखनऊ 49 है, ताइवान पिंक अमरूद है। कटहर में बोरमासी कटहर भी है, और हमारे यहाँ चंदन, धूप, हर तरह के पौधे हैं। केला के लमसम 25 लाख पौधे हम लोग ऑलरेडी बनाए हैं नेशनल टिशू कल्चर का, लेकिन अब नेशनल टिशू कल्चर का लैब जो लग रहा है, मेरिस्टीन टिशू कल्चर प्लांट, जो SAR हमारा आके यहाँ पे हाइडिंग 25 लाख पौधे रहेगा। अभी आप 1 महीने के बाद आएंगे तो 25 लाख पौधे हमारे यहाँ दिखेगा, जिसमें 10 लाख पौधे नेटपार्ट बिक चुका है। 15 लाख हम किसानों को सप्लाई करेंगे, जिसमें 7-8 लाख पौधे हम बुक कर दिए हैं, 7-8 लाख पौधे बुकिंग करना है। प्रकृति के करीब रहने वाले लोगों के लिए नर्सरी का व्यवसाय एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। नर्सरी में कई तरह के पौधे बिकते हैं। नर्सरी में बागवानी फसलों जैसे आम, अमरूद, बेर, पपीता, कटहल के अलावा सब्जी वर्गीय पौधों व मौसमी फूलों के पौधों को तैयार कर आय को बढ़ाया जा सकता है। कम लागत में नर्सरी का व्यवसाय प्रारंभ कर बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। तो अभी हमने जाना कि कैसे रमेश कुशवाहा ने प्रयासों से अपने जीवन को बदला। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे तुषार कुशवाहा की। कहीं मत जाएगा, देखते रहें सफल किसान। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दीप, देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। दो
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। सफल किसान में आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे युवा नर्सरी को भी एक व्यवसाय के तौर पर अपना सकते हैं। आइए सफल किसान में अब आपको बताते हैं तुषार कुशवाहा के बारे में। इनकी खासियत यह है कि फल, सब्जी और मौसमी फसलों को लेकर ये लगातार इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और इनकी पौध तैयार कर रहे हैं। इस नर्सरी से उन्हें अच्छा लाभ भी हो रहा है और दूसरे किसानों को अच्छी पौध भी प्राप्त हो रही है। आइए जानते हैं तुषार कुशवाहा के बारे में। बागवानी, सब्जी और मौसमी फूलों की नर्सरी को ही अपना व्यवसाय बनाने वाले रमेश के क्षेत्र में एक पहचान बन चुकी है। उनकी नर्सरी से महिलाओं सहित कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है। नर्सरी से ही लाखों रुपए का टर्नओवर करने वाले रमेश जी के पिता को प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। नर्सरी में सफलता हासिल करने वाले रमेश जी युवाओं को सलाह देते हुए कहते हैं कि वे भी नौकरी की ओर भागने की बजाय नर्सरी के व्यवसाय को अपनाएं। 4 जून 2019 से हमारा FPO का रजिस्ट्रेशन हुआ है और FPO में हम लोग केला पे, पपीता पे, आम, लुच्ची, सब्जी खेती का हम लोग करवाते हैं और पौधे तैयार करके अगेती खेती हम लोग किसानों को करवाते हैं, जो किसान का जर्मिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। और इसमें 60 से 70 लेबर काम करते हैं और 50 से लोग फेरी, मतलब गांव-गांव में रिक्शा, ठेला से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से और टेम्पू से गांव में घुमा घुमा के कुशवाहा पौधशाला का प्रचार भी करते हैं और पौधा घर घर तक ले पहुँचाते हैं, जिसमें आम, लुची, अमरूद, अनार, पपीता, केला, ये सब चीज़ के पौधे रहते हैं और सीजनल फूल की भी पौधे रहते हैं, जो गांव गांव तक ले ये लोग पहुंचाते हैं। ये भी लोग 1500 रुपया डेली कमाते हैं और 70 हमारे पास वर्कर काम करते हैं, जिसमें 40 महिलाओं को रोजगार दिया गया है। और कंपनी मेरिस्टीन टिशू कल्चर कंपनी जो हमारे साथ FPO के साथ काम कर रही है, और हम लोग 2019 में FPO जब बना, 2020 में सारी कंपनी मार्केट से बाहर हो गई थी, किसी का जहाज़ बंद हो गया था, ट्रेन बंद हो गया था, तो उस समय हम लोग को विभाग से, कृषि विभाग, उद्यान विभाग से और जिलाधिकारी के सहयोग से हम लोग को पास बना, जिससे हम लोग बिहार, UP थे, बेंगलोर से और गुजरात से पौधा मंगाने में भी हम लोग को सपोर्ट मिला। और हम लोग उस समय 22 लाख पौधे हम लोग किसानों को सप्लाई किए और उस समय पौधे की बहुत डिमांड थी, जो अन्य कंपनी थी साफ सप्लाई नहीं कर पाई थी, जिससे हाँ कोरोना के समय में रोजगार भी दिया गया था, जिसको उपास लमसम उस समय हमारे पास 100 लेबर का काम था, 200-300 लेबर काम करने आते थे, कोई हटता भी नहीं था, उन लोगों को रोजगार दिया गया, उससे उन लोगों को दुआ से रेट भी हम लोग को टाइट मिल गया कि मार्केट में पौधा नहीं था, हम लोग जो बुकिंग था वो ठीक है, जो नहीं बुकिंग था उसमें कुछ हम लोग को मजदूरी निकल गया, मैंने महंगा रेट में निकल गया पौधा हम लोग का, जिसमें हमारी कंपनी टापर थी, जिसमें हमारा 1,83,00,000 का 2020 का टर्नओवर था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पिताजी श्री रामकांत कुशवाहा जी को सम्मानित गोरखपुर में किया गया। नर्सरी को व्यवसाय के रूप में अपनाने वाले रमेश जी के परिवार के लोग भी नर्सरी में ही पूरा ध्यान लगाकर काम कर रहे हैं। इनके परिवार के तुषार नर्सरी के लिए समर्पित हैं। 70,000 पौधों से नर्सरी शुरू करने वाले तुषार आज 25-30 लाख पौधे बेच रहे हैं और कई लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। ये मेरा नर्सरी जो है, ये कुशीनगर में नेबुआ नौरंगिया है, ये हम लोग सन 2012 से काम कर रहे हैं, सन 2012 से हम लोग स्टार्टिंग किए, आज हम लोग बड़ा टारगेट पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा ये सब्जी का खेती जो है, सब्जी का पौधा उगा के हम लोग गांव-गांव बेचवाते हैं, 25-30 लोग बेचने वाले हैं। हमारे पास अनेकों वैरायटी आम का है, अमरूद का है, आम का नई वैरायटी हम लोग मंगाए हैं, अमरूद का 4-5 क्वालिटी है। हम लोग 5-6 एकड़ में नर्सरी चालू किए, इस समय बड़ा लेवल पर काम कर रहे हैं। हम लोग नर्सरी 10,000 से शुरू किए, इस समय हम लोग का मतलब लंबा टारगेट पर काम चल रही है, 30-40 लेबर का रोजगार भी दिए हैं, 25-30 लोग पौधा भी बाहर बेचते हैं। हमारे पास मैंगो है, लीलम है, रोमानी है, सोनरेखा है, अल्फांसो है, कपरी दशहरी, जरदालू और नया में आम पिछले साल हम मंगाए हैं, जापानी आम जैसे मियाँ जाकी है, कस्तूरी ब्लैक मैंगो है, अब बनाना मैंगो, क्या बोलता है, 4 kg आम है, लाल बादशाह है, नए वैरायटी हम लोग
नए नए टेक्निकल से हम लोग खेती भी कराते हैं और बगीचा अमरपाली जो है सघन बागवानी हम लोग लगवाते हैं। यहाँ कुशीनगर में 50 एकड़ बगीचा हम लोग लगवाए हैं, बढ़िया फलत आ रहा है। केला का भी हम लोग काम कर रहे हैं कुशीनगर में, 25-30 लाख पौधा हम लोग बेचते हैं। 70 हज़ार से शुरू किए, इस समय हम लोग का 25 लाख पौधा हम लोग बेचते हैं हर साल। नर्सरी के पौधों को बाजार तक पहुंचाना भी नर्सरी के व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण अंग है। नर्सरी के पौधों को जिले के प्रमुख क्षेत्रों सहित दूसरे राज्यों में पहुंचा रहे लोगों के लिए नर्सरी एक सफल रोजगार बन चुका है। इसे वे दूसरे धंधे से अधिक उपयोगी मानते हैं। रमेश जी, नर्सरी से जुड़े लोग बताते हैं। हम कुशवाहा पौशाले से 2014 से काम कर रहे हैं। इसी से हमारा 4-5 मतलब परिवार जी खा रहे हैं। जो है इस टाइम मतलब 1,200 काम रोज करते हैं हम डेली, मतलब 14 से इस टाइम तक हम जो इसी में लगे हैं। इसी से हमारा रोजगार चलता है और दूसरा हमारा कोई धंधा बिजनेस नहीं है। जैसे मानिए आम है, लीची, ये सब्जी का पौधा, टोटल मतलब ये पौधा हम बेचते हैं। कभी जैसे बरसात आता है तो उस टाइम हम आम, लीची, कटहल, ये जो भी नया नया वैरायटी पौधा आता है यही हम बेचते हैं। इस टाइम जैसे सब्जी का पौधा चल रहा है तो हम सब्जी का पौधा बेचते हैं, मतलब बारह महीना हम इसी में लगे हैं। हाँ, साधारण मजदूरी करते हैं तो हमारे यहाँ 300 रुपये मिलता है। इस टाइम मतलब हम बहुत कम कमाते हैं, तभी 1,900-1,200 कहियो कभी कभी 1,500-1,500 रुपये कमा देते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे इन किसानों का मार्गदर्शन हो रहा है कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा, कैसे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी इन्हें नई नई जानकारियां मुहैया करा रहे हैं जिससे इनकी राह आसान हो रही है और कृषि में लाभ भी हो रहा है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह, फसा। अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश ने खाद्य आपूर्ति के क्षेत्र में अच्छे परिणाम दिए हैं और पूरे विश्व में कृषि प्रधान देश के तौर पर अपनी छाप और मजबूत की है, और ये संभव हो पाया है देश के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित किए गए कृषि विज्ञान केंद्रों के अधिकारियों के प्रयासों की वजह से। ये अधिकारी हमारे किसानों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, नई योजनाओं और कृषि की नई तकनीकों के बारे में किसानों तक जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है, और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। कुशीनगर में रमेश कुशवाहा की नर्सरी को बढ़ाने में KVK के अधिकारियों का प्रयास कामयाब रहा है, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अशोक राय। खड्डा ब्लॉक में हम लोग आज श्री रमेश कुशवाहा जी के पौधशाला पे हम लोग आज खड़े हैं। तो अभी रमेश जी वर्ष 2015-16 में हमारे यहाँ माली ट्रेनिंग में हम लोग 10 दिन का एक कार्यक्रम रखे थे। इसके अलावे एक इफ्को फाउंडेशन के द्वारा हमारे यहाँ ट्रेनिंग एक कोर्स अलाट कराया गया था, उसमें 30 किसानों को हम लोग प्रशिक्षित किए जिसमें रमेश कुशवाहा जी भी सम्मिलित थे। आज ये सब देख रहे हैं, इतना सारा जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो फलदार पौधे हों या सब्जी का पौध तैयार करना हो, या जो अभी कुशीनगर ज़िले में अभी गन्ना का, चूँकि ये बाहुल्य क्षेत्र था तो गन्ने का सब्स्टिट्यूट केला में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो केले के लिए इन्होंने टिशू कल्चर
प्राइवेट कंपनियों के लाइजनिंग के द्वारा यहाँ पे कंपनी के माध्यम से यहाँ पे हार्डनिंग चैम्बर, हार्डनिंग सेंटर इनको किया गया है। उस सेंटर के माध्यम से करीब करीब 2016-17 से आपने काम स्टार्ट किया, उसके पहले भी करते आए हैं, लेकिन बृहद रूप में 2016-17 से करीब करीब साल में 15 लाख से 20 लाख पौधे जो तैयार होता है वो डायरेक्ट किसानों को डीबीटी के माध्यम से, जो कि ज़िले के हमारा जो उद्यान विभाग है, वो उद्यान विभाग सीधे सब्सिडी का काम करता है। डीबीटी के माध्यम से किसानों के खेत पे वो जाके फसल लगता है, तो इस तरह से डायरेक्ट जो मनी ट्रांसफ़र है हो जाता है। और आपको जो एक जो यहाँ पे पूरे ट्रेनिंग के द्वारा देखभाल करके और वहाँ कैसे पौधा सस्टेन करें, वो कैसे हम लोग वैज्ञानिक तरीके से पौधे को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस तरह से पूरे जनपद में लगभग करीब 700 हेक्टेयर एरिया में आपके द्वारा सिर्फ पौधा यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो कि लगभग देखा जाए तो 20 लाख के आसपास ही पौधे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। कृषि के मामले में किसानों की बेहतरी के लिए कृषि विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को नर्सरी के व्यवसाय की ओर मोड़ने और नर्सरी के माध्यम से किसानों का मुनाफा बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। विभाग से जुड़े अधिकारी डॉक्टर शमशेर सिंह कहते हैं कि पौधों की नर्सरी तैयार करना एक सरल और लाभकारी व्यवसाय है। नर्सरी लगाकर साल भर कमाई की जा सकती है। ये जो पौधशाला है, पौधों का जिस तरह से बनाते हैं, ये जैसे आम का, फलों में आम, लीची, अमरूद, जामुन, बेल, ऐसे बहुत सारे पौधे इनके पास हैं। इस तरह से ये इन पौधों का ग्राफ्टिंग करके जो स्टडी मेथड से, ताकि जिस किसान के पास ये पौधा जाए उसके पास अच्छी फलत हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए। इस तरह से ये फलों का पौधा, इवन सब्जियों की पौधशाला तैयार करते हैं, जो सीजन वाइज जैसे अभी चल रहा है गर्मी का मौसम, तो इसमें जो भी ग्रीष्म ऋतु की सब्जियां हैं, जो कद्दू वर्ग की सब्जियां हैं स्पेशली, सभी का पॉली ट्यूब में, छोटी छोटी पॉली ट्यूब में ये 3 रुपये से लेकर के 6 रुपये तक प्रति पॉली बैग सेल करते हैं। और इस तरह से जो किसान भाई खुद का अगर अपने खेतों में बुआई करते हैं, तो बुआई करने का जो समय होता है वो समय है मार्च का महीना, लेकिन ये अपने यहाँ अगेती लगा लेते हैं, जिससे करीब 25 से 40 दिन का समय किसानों का बच जाता है और किसान को अतिरिक्त लाभ मिल जाता है। अगेती अगर फसल करता है किसान तो मार्केट में उसका लाभ अच्छा मिलता है। इस तरह से ये कुछ ऑर्नामेंटल पौधे भी लगाते हैं, ये मसाले वाले पौधे भी लगाए हुए हैं, ये टिश्यू कल्चर केला भी लगाए हुए हैं। इस तरह से किसानों का जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, ये इन ज़रूरत को पूरा करते हैं, क्योंकि किसान हर जगह नहीं पहुंच पाता है, लेकिन इनका एक ध्येय है कि किसान को अच्छी पौध हम तैयार करें और किसान को अच्छी पौध हम दें, ताकि किसान अपने खेतों पर इस पौध को लगाए, चाहे फल का हो, सब्जी का हो, चाहे मसालेदार फल हो, पौधों अपने यहाँ लगाए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए। नर्सरी में तैयार होने वाले पौधों के अच्छी किस्मों की मांग देश के हर हिस्से में तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में युवा कम लागत में अपनी कम जगह वाली जमीन का उपयोग नर्सरी के रूप में करके अधिक आय का एक अच्छा स्रोत विकसित कर सकते हैं। कई राज्यों में किसान कृषि विभाग की सहायता से नर्सरी का व्यवसाय कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। नर्सरी शुरू करने के लिए कृषि व बागवानी से जुड़े विभाग भी मदद करते हैं। अगर आप भी नर्सरी शुरू करना चाहते हैं, तो अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी से जरूर संपर्क करें। हर प्रदेश में नर्सरी शुरू करने के लिए कृषि और बागवानी विभाग आर्थिक मदद भी करते हैं। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपको बताया रमेश और तुषार कुशवाहा के बारे में, जिन्होंने नर्सरी को एक व्यवसाय के तौर पर अपनाया है। अपने क्षेत्र में अपनी पहचान तो उन्होंने बनाई ही है, साथ ही वो किसानों की मदद कर रहे हैं अच्छी पौध उन तक पहुंचाकर। इससे पूरे क्षेत्र का विकास भी सुनिश्चित हो रहा है। आशा करते हैं कि आज का सफल किसान आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आप चाहते हैं किसी किसान की कहानी हम अपने कार्यक्रम में शामिल करें, तो भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं
पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है saphalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें, सफल किसान कमरा नंबर 77 CPC दूरदर्शन खेलगांव नई दिल्ली 110049। तो ये था हमारा आज का सफल किसान। हमारा प्रयास होता है कि सफल किसानों की कहानी देश के जन जन तक पहुंचे, ताकि हमारे किसानों का आत्मविश्वास बढ़े और अन्य किसान प्रेरणा भी ले सकें। सफलता की कुछ और कहानियों के साथ सफल किसान के अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।